नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। जी हाँ, NIS में एडमिशन लेने वाले सभी विद्यार्थी को बता देना चाहता हूँ कि यह आखिरी तारीख होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अगर आपने NIS में एडमिशन लिए हैं और किसी कारणवश आपका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका अपलोड करने का डॉक्यूमेंट का आखिरी तारीख 28 मई है। ध्यान से सुने, 28 मई 2020। जिन विद्यार्थियों का अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है और अभी तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, तो 28 मई 2020 यह लास्ट डेट होगा एडमिशन, सॉरी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, जिससे वह अपना डॉक्यूमेंट आसानी से अपलोड कर पाए और अपना साल बचा पाए, क्योंकि एडमिशन कैंसिल होने के बाद आपको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर से वही पैसे लगेंगे और आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और कैसे आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। तो चलिए, हम पहले खोलेंगे HDMIS.NIOS.AC.IN। यह वेबसाइट है NIOS का, आप ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको एडमिशन स्टेटस चेक करना है। जब आपने एडमिशन लिया था NIS में, तभी आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा, वह रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको आपका एडमिशन स्टेटस का पेज पूरा खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कमेंट किया गया है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है एडमिशन स्टेटस में कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट उसको चाहिए होगा। और यहाँ पे देखिए, आप लिखा हुआ है कमेंट, आप कमेंट को पढ़िए। और यह कमेंट आपको पहले 17 फरवरी को किया गया था, जो कि आपने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर 5 अप्रैल को किया गया है, दो बार आपको बता दिया गया है। दो बार में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन 100% कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपना एडमिशन स्टेटस ज़रूर चेक करें जब आप एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के कुछ दिन बाद, सपोज 20 दिन बाद, आप एडमिशन स्टेटस चेक करते रहिए। चेक करने से आपको कोई अगर नया नोटिफिकेशन आता है एडमिशन के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, फ़ोटो के रिगार्डिंग, आधार कार्ड के रिगार्डिंग, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन उसका कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन स्टेटस पे ध्यान देना होगा। आप एडमिशन कहीं से भी लें, लेकिन आप अपना एडमिशन स्टेटस ज़रूर चेक करें। तो अब इसको जो दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है नोटिफिकेशन, इसके लिए तो इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और यह अपलोड कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आप अपना डैशबोर्ड, चलिए मैं इमेज के थ्रू दिखाता हूँ, सॉरी, इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है।
ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा और आप आसानी से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बट ये 28 मई 2020 से पहले, उसके बाद यह ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ देखिए ये यहाँ पे, अगर जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ से आप डॉक्यूमेंट लीजिए और लेकर आप अपलोड कर दीजिए। यह आपको सिर्फ 28 मई 2020 तक ही आप कर पाएंगे, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं होगा, यह ओपन ही नहीं होगा, इसीलिए ध्यान में रखें और अपना जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। देखिए दूसरा कमेंट मैं दूसरे विद्यार्थी का दिखाता हूँ कि इसका जो इसने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, हो सकता है मोबाइल से खींचा हो या फिर स्कैन करने में और साइज़ छोटा करने में, हो सकता है इसका साफ साफ दिखता नहीं है, विजुअल नहीं है, तो इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है, जेरोक्स नहीं करना है। और जेरोक्स करने के बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं है और आपका एडमिशन 100% कैंसिल हो जाएगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल का स्कैन कॉपी और जितना अच्छा से अच्छा क्वालिटी में आप अपलोड करेंगे उतना अच्छा रहेगा और एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिनका नाम में अगर कोई दिक्कत हो कि आपने नाम जिन विद्यार्थियों को यह परेशानी हो रही है जिनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, वह अपना एडमिशन कंफर्म करा सके, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर सके। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उनके पास मात्र 4 दिन बचा हुआ है, क्योंकि आज 24 तारीख हो गया है, आपके पास 4 दिन बचा हुआ है और 4 दिन के अंदर में आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके अपना एडमिशन लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर भी जिन विद्यार्थियों को ये जानकारी नहीं है तो वो हमसे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकता है, और जिनको अपलोड करवाना है वो कर नहीं पाते हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका अपलोड कर देंगे, इतना हेल्प कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।